Welcome, Mr. Jadhav. Hi, Rajan. With the members of Radha Krishna House discussing about the industry 14, that is ICT. It's our first day, first day here. So we will really apologize for our mistakes. So we are having a time right now. I start my topic, that is ICT. ICT means Information and Communication Technology. अर्थात सूचना और संचार तकनीक. इसका मतलब क्या होता है? It differs to all the hardware and software that people use to present and receive information. अर्थात इसके अंतर्गत वे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आते हैं जिसके माध्यम से लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं. It is an umbrella term that includes all technology for the communication of information. It encompasses and a medium to record information and also technology to telecast information, for example, radio, television, computer, phone, internet, etc. But if you talk in a classical में भी हम देख चुके हैं कि किस तरह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सारे तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है. अगला पॉइंट है आपका प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता और क्षमता और उसके व्यक्तिगत गति पर सीखने में सहायता करें. ये तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आज टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षक का शिक्षण बन रहे हैं, आशीषी की बात कर रहे हैं, पाठचर्या की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. क्यों? कि बच्चों में विकास, उनमें कलात्मक गुण का विकास, उनमें संरचनात्मक गुण का विकास, उसमें क्रिएटिविटी बढ़े. और वो चीज किससे बढ़े? जब उन्हें हम स्वतंत्र रूप से देंगे. क्या खेत में खुलने छोड़ दें? क्या चोरी करने के लिए छोड़ दें? सिनेमा हॉल में पोस्टर देखने के लिए छोड़ दें? नहीं. आज उनके लिए अगर हम दो पैसा जो उनके खाने पीने या और दूसरे चीजों पर जो व्यर्थ कर रहे हैं, अगर उस पैसे को बचाकर उन्हें तकनीक से जोड़े, घर में एक छोटा सा कंप्यूटर ला, एक छोटे से लैपटॉप पर अगर उनको प्रोत्साहित करें, आज वीडियो गेम आप 5,000 का खरीद कर दे, आज दूसरे चीजों में खिला रहते हैं, आज बर्गर आदि में उसका पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर उसी पैसे को हम थोड़ा थोड़ा कर बचत करें और उसे अगर एक तकनीक से जोड़े तो बच्चे उस पर खेले, सीखे, अपना समय देगा, अपने खुशियों को व्यक्त करेगा और शायद आपको जीवन में सबसे अच्छा मौका मिले. इसलिए की बात करें, हम पुराने राजा राजाओं के बारे में बात करें तो केवल एक कल्पना मात्र करते हैं, उनके मन में एक केवल भूमिका भरा हो. यदि हम तकनीक का उपयोग आज चलचित्र के माध्यम से दिखाएं, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएं, तो उन बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं कि उस समय राजा किस प्रकार के पोशाक पहनते थे, किस प्रकार उनका उठना था, बैठना था, उनका क्या प्रभाव था, चार धार क्या था. इन सारी चीजों को अगर हम सही ढंग से उनके मन में वास्तविक चित्र को अगर देखना चाहते हैं, उनके मन में मस्तिष्क पर बैठाना चाहते हैं, तो आज हमें इस तकनीक का उपयोग करना है. सवाल है इसकी उपयोगिता क्यों है? उससे पहले थोड़ा सा ये आपका बिंदु है कि आज आईसीटी का उपयोग एडमिशन में जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरा बैंकिंग सेवा में आई, खुद आप लोग में बहुत लोग बैंक जाते होंगे, पहले घंटों लगाना पड़ता था लाइन, तब जाकर पैसा निकलता था, दो तीन काउंटर से गुजरते थे तो पेमेंट क्लियर होता था, किसी को पैसा भेजना है तो परेशानी, ट्रेन में जा रहे हैं चोरी हो गया, बुक किया. आज कभी कभी पैसा देखा गया कि आदमी का ऐसा घटना घट गया, बात पता चला तो पैसा ले ही नहीं जा रहा, किस लालच में आज इन सारी चीजों से बचा रहा है बैंकिंग. हम आज घर बैठे हम एटीएम कार्ड से कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर, आज हम क्षण भर में जाकर एटीएम से जाकर अपने उपयोग के अनुसार पैसा को निकाल सकते हैं. इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है ऐसे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में देखें, अगर उद्योग के क्षेत्र में देखें तो आज ये उद्योग भी आज आईसीटी के ही बदौलत बढ़ रहा है. आप देखते होंगे, आप अगर न्यूज सुनते होंगे तो देखे होंगे, कोई छोटा छोटा व्यापारी आज इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग लाकर एक से एक प्रोडक्ट के बारे में प्रचार कर वो अपने उद्योग को जो ही बढ़ाता जा रहा है, एक छोटा सा उद्योग एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है. किसके बदौलत? आईसीटी. चाहे एक पटन जाते हैं आपके इंडस्ट्री के बारे में सारा जानकारी उपलब्ध हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का जानकारी होता है, उसके उतार चढ़ाव के बारे में देखते हैं, 10 वर्ष से आपके उद्योग में क्या चल रहा है, किस तरह का ग्रोथ है, इन सारी चीजों की जानकारी आज हमें आईसीटी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है. बिजनेस ये जो कहता है कि जैसा मिलता जुलता है बिजनेस व्यापार है. अगर आप एक छोटा सा अगर आपके कलात्मक गुण है, एक छोटे से वस्तु को ही बनाते हैं, आज अगर इंटरनेट के माध्यम से आप उसका प्रचार करते हैं तो आपको आज मार्केट में दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आप उस बिजनेस को इस आईसीटी के माध्यम से आप फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं.
की उपयोगिता या आवश्यकताओं के देखें तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है व्यापार के क्षेत्र में। मेरे पहले जो नाम था आपको ध्यान दिया है ना, उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की जरूरत महसूस हुई है आज के दौर, परंतु इन्होंने ध्यान दिया कि इस आईसीटी को उत्पन्न करने में शिक्षा का योगदान है, न कि आईसीटी ने शिक्षा को दिया। आईसीटी अगर आज हमारे पास है कंप्यूटर के रूप में है, चाहे नए तकनीकी के रूप में है, तो ये प्रोडक्ट भी हमारे शिक्षा का ही है, इसलिए ये नहीं कर सकते कि आज इसकी जरूरत महसूस हुई। हाँ, इसकी उपयोगिता आज हमें जानकारी है प्राप्त। आज आईसीटी का अगर विकास हुआ है तो शिक्षा के बदौलत हुआ, उन वैज्ञानिकों के उद्घोष के कारण ही हुआ, और वो वैज्ञानिक भी शिक्षा प्राप्त कर ही पाएगा। अब आइए इन पॉइंट को देखते हैं इसकी आवश्यकता। व्यापार के क्षेत्र में विस्तृत प्रयोग, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उद्योग धंधों में विस्तृत प्रयोग, ये भी आपको बता चुके हैं। घरेलू कार्यों में भी यह सहायक। आज जब हम घर से बाहर रहते हैं तो माता पिता के लिए परेशानी का कारण है, कहाँ है नहीं है। आप भी हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो आपके मन में चिंता है घर में कुछ काम का हुआ या नहीं हुआ। इन सारे सूचनाओं से आपको कौन बचा रहा है? जो मोबाइल के माध्यम से हो या नेट के माध्यम से हो, आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर आप चिंता मुक्त हो। दूसरी बात, घरेलू बहुत सारे वैसे उपयोग की वस्तुएं हैं जो हम आप अगर बाजार से ले जाए शायद घरेलू महिलाएं उसे पसंद नहीं करें, परंतु अगर कोडियट के द्वारा अपने पसंद से लाती है उन वस्तुओं को ज़्यादा ही अपने रुचि के अनुसार मंगा सकते हैं। इस तरह घरेलू वस्तुओं का मंगाकर हम क्वालिटी और क्वांटिटी अर्थात उसमें लगने वाले लागत को भी हम कम कर सकते हैं, और ये बेनिफिट आपको कम दे रहा है। ऐसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रयोग, इस चीज को तो आज हम देख रहे हैं। अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज अगर हम बातचीत कर रहे हैं, इसी को प्रोजेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्टर और शिक्षा में किस तरह उपयोगी है ये बात हम लोग भी देख रहे हैं। आज इसी के बगैर हम बच्चों को नई दुनिया से जोड़ सकते हैं, आधुनिक युग से जोड़ सकते हैं, और दूसरे देशों के कंपटीशन में अपने देश के बच्चों को आगे ला सकते हैं। उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आज आईसीटी की आवश्यकता ज़्यादा है। मनोरंजन एवं कला के क्षेत्र हर समय काम कर रहा, ये भी एक परेशानी है। शरीर पर, मस्तिष्क पर, कब तक आप थकान को अनुभव दे, तभी तो चाहिए। वो बच्चा भी यही जाता है जो दिन भर स्कूल से हमारा खपा रहा है, स्कूल से आ रहा है, खेलने जा रहा है, जगह नहीं मिल रहा, जमीन नहीं है उसके पास, जहाँ वो फुटबॉल क्रिकेट खेल सके, आज तो जगहों का भी कमी। उस स्थिति में उसका मनोरंजन का मात्र एक साधन है, कला का विकास करने का मात्र एक साधन है या किसी जिस पर बैठ कर वो ड्राइंग कर सकता है, पिक्चर देख सकता है, या अपने जैसे कार्टून आदि का एनिमेशन कर सकता है, ये सारी आवश्यकताएँ आज हमारे सिटी को जारी करें। सरकार
उसके बाद आप लोगों को मिलाएंगे तो उसमें आप लोग स्लाइड फास्ट चलाएंगे और बताते चलाएंगे थोड़ा सा पानी में तरुण सर आएंगे थोड़ा सा पीछे पीछे इसका सबसे बड़ी खतरा धोखेबाजों जो आज गलत प्रोडक्ट आपने देखा कर वो आपको इन्हीं सारी चीजों को बारे में गलत जानकारी देकर आपको भरमा वो जो लोग है वो हमारे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए बातों को रिजेक्ट कर रहा है कि किशोरावस्था में किस प्रकार हम अत्यधिक सूचना के भार से दबे होते हैं जहाँ हमें निर्णय लेने में ये कठिनाई होती है कि हम करें तो क्या करें लाभ और हानि तो होता रहेगा जीवन में कोई भी चीज आता है उसमें अच्छाई और बुराई है अब ये थोड़ा सा शिक्षा में आईसीटी के नए तकनीक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें इसमें किन किन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जैसे सीसीटीवी का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक अधिगम में निगरानी में ये इसका उपयोग हो रहा है गति डाटा संचरना तकनीक में इसका उच्च गति तेजी से आंकड़े को इकट्ठा करने में इसका उपयोग हो रहा है फायर स्थानांतरण की नई तकनीकी के रूप में इसका उपयोग हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था में इसका उपयोग हम कर रहे हैं वो लोग जो है इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो करता है अब मैं अंत को करता है इसका इसका तो पहले हम लोग है कैसे ये कहां कहां प्रभावित कर रहा है व्यक्तिगत प्रभाव है इससे आप व्यक्तिगत रूप से आप विकास कर सकते समाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है चाहे वो अच्छी भूमि में चाहे वो बुरे भूमि में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है इससे अर्थव्यवस्था को वृद्धि करने में ये मदद करता है वातावरण का प्रभाव है वातावरण पर आप देख रहे हैं इसके द्वारा जल प्रदूषण के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त होता है मौसम के बारे में जानकारी है शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है जिसको ज्यादा ही ज्यादा बच्चे जो है शिक्षा अत्यधिक शिक्षित हो रहे हैं ज्यादा जानकारियाँ वो प्राप्त कर रहे हैं छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए एक दृढ़ साधन एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने डिफाइन एज द लॉ ऑफ द ब्रेन एज अ रिसर्च डिस्कवरी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ये बातें जो है एस के सुखरानी 1996 में कही एक छोटा सा वीडियो है आपके मन के संदेह को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेगा